आपके कहने पर हमने सब कर दिए हैं, लेकिन कहीं गलती से भी ठाकुरायन जी को पता चल गया ना, इसी दिवाली पे हमारा दिवाला निकलेगा रे मेरी मैया। चुप, रोना बंद कर चक्रम, आज हमें तुझे नहीं उस बंदरिया टोरी को रुलाना है। इसलिए बस वो एक बार इन सब खाने का नाम सुनकर दादी की खींची लकीर पार कर ले, फिर हम उसे ऐसा रुलाएंगे दादी से कि वो बड़े बड़े आंसू रोएगी वो बंदरिया। रसगुल्ला खिला खाइए। वाह मजा आ गया यार, रसगुल्ला जरा वो जलेबी भी खिलाना चक्रम। वाह क्या जलेबी है, मजा आ गया। चलो अभी गुलाब जामुन कौन खाएगा? क्या गुलाब जामुन है, मजा आ गया। अरे खा रहा तो चुपचाप खा नहीं सकता बंदर, और खिला और खिला। लो रसगुल्ला चक्रम। वाह 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 क्या रसगुल्ला, पक्का वो मुझे सुनाने के लिए इतने जोर जोर से बोल रहा है, पर इसकी वजह से भूख तो बढ़ती ही जा रही, भूखा तो रहा ही नहीं जा रहा। डोरी एक काम कर, तो सोच पानी ही रसगुल्ला और रसगुल्ला ही पानी है, सोच कि ये बहुत मीठा है। सच में ये बहुत मीठा है। डोरी अब तो सोच तेरा पेट भर गया और पानी पी के सो जा। वाह भूख भी मिट गई और प्यास भी चली गई, मुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गोलगप्पा भी खाइए खाइए। वाह चक्रम गोलगप्पे भी तुम लाए चक्रम, शाबाश। गोलगप्पे? वाह चक्रम वाह, क्या गोलगप्पे हैं, इतने बढ़िया है, इतने बढ़िया, क्या बताऊं मैं तुम्हें। और सुन नास बेटी, तू मत भूलना लकीर के उस पार नहीं जाना है, नहीं तो वो लोग तेरे बाबा को उस नौकर की तरह सजा देंगे। नहीं चाहे कितनी भी भूख लग जाए मैं नियम नहीं तोड़ूंगी, भूख भी बहुत लग जाए, पेट में पूरे चूहे कूद कूद कर पूरे पेट को हिला रहे। और गोलगप्पे का पानी तो इतना मसालेदार है और इतना तीखा है, क्या बताऊं। अब भूख नहीं लगेगी। दीजिए खा लीजिए, और उसको जाने दीजिए, वो नहीं आएगी, खा लीजिए। उसका तो पता नहीं, इससे पहले हम भी कुछ आ जाएगी। लाला ठाकुर, लाला ठाकुर। चुप हो जा मेरी महारानी, चुप हो जा मेरी महारानी। पता है तेरी माँ कितनी थक गई है, सवेरे से दिवाली के इतने सारे नाश्ते और मिठाई की रीले बना बना कर, ये सब आसान काम थोड़ी होता है। सारे वीडियो को एडिट करना, फिर उसको फोन में डालना, फिर उसको अपलोड करना। कोमल बहू, चिच्ची सासुमा, कैसे हैं हमारे छोटे राजकुमार? आज हमने अपने छोटे राजकुमार के लिए अपने हाथों से कुर्ता बनाया है। है सच्ची, आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ तो कलाशी ठकुरायन के लिए उसके पोते उसकी जान है, जल्दी से हमारे पोते को ये कपड़े पहना कर लेकर आना। रख दो।
सासू माँ, ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, बस रोए जा रही है कब से। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लड़की तो अपनी किस्मत में रोना लिखवा कर लाती है, खुद भी रोती है और जिंदगी भर अपने माता पिता को रुलाती रहती है। जी 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 सासुमा, आप चलिए, मैं इसे दूध पिलाकर फिर आपके पोते को अच्छे से रेडी करवा कर लाती हूँ। कितनी बार समझाया तुम्हें, बंजर जमीन को सींचोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब अपना सारा दूध इस लड़की को पिलाओगी तो क्या हमारा पोता भूखा रहेगा क्या? नहीं सासुमा, बस थोड़ा सा ही पिलाऊंगी, वरना रोती रहेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कानों को चुपती है इसकी हंसी, वैसी भी लड़की है, सहलेगी भूख, और सहना सीखना भी चाहिए लड़की को, क्योंकि सहने से सहनशीलता बढ़ती है। पर लड़के, आगे चलकर उन्हें जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, परिवार की शान को बढ़ाना पड़ता है, वो भूखे रहे अच्छा नहीं लगता। रसोई में दूध रखा है, बाद में इसे पिला देना। सुनो जी, ठीक है। इस आफत की बुढ़िया को हमारी नजरों से दूर रखो, ले जाओ इसे। सुनो, हमारे पोते को जल्दी से तैयार करके नीचे लेकर आना। जी 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 ससमा। घूमने चलेंगे बाबा, घूमी ना? हाँ, हम तो आ गए। ओ सुमन कुमारी, हमारे कमरे में कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं, जल्दी से लेकर आ। लाई लाई ठाकुर आएंगी। बच्चा रो रहा है, कोई उसका चुप क्यों नहीं करा रहा? बच्चे के रोने की आवाज तो बाहर से आ रही है। पक्का ये वंश की कोई नई चाल है मुझे परेशान करने की, क्योंकि मैं बाहर जाऊं और ठकुराइन का बनाया हुआ नियम टूट जाए। पर मैं भी बुद्धू नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं, ये आवाज वो बंदर नहीं निकाल सकता, ये सच में बच्चे के रोने की आवाज है। बच्चे को अकेले किसने छोड़ दिया? और ये छोटी गुड़िया के रोने की आवाज कोई सुन क्यों नहीं रहा है? इसे चुप कैसे करूं? और इस लक्षिर को पार कैसे करूं? वरना पता नहीं ठकुराइन जी बाबा को क्या सजा दे। कोई है? ठकुराइन, मंदिर वाली आंटी, छोटी ठकुराइन, कोई है? गुड़िया को कोई चुप करा, गुड़िया बहुत रो रही है, आकर इसे चुप करा दीजिए। कोई है?
हो जा। गुड़िया चुप हो जा। चुप हो जा। गुड़िया मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पास नहीं आ सकती, तुझे गोदी में लेकर चुप नहीं करा सकती, तुझे खुद चुप होना पड़ेगा। ये तो रोए जा रही है, क्या करूं? बाबा कहाँ हो? अरे गंगा, इन कतरनों से बनी ड्रेस तेरी परी जैसी डोरी को पसंद आएगी क्या महाराज? क्यों पसंद नहीं आएगी? और ये ड्रेस मैंने कतरनों से थोड़ी बनाई है। अरे ये सारे कपड़े तो पिछली 5 दिवाली से मेरी डोरी ने पहने जी। इस ड्रेस के धागे धागे में हमारी दिवाली की यादों की बुनाई लगी है जी। अरे वाह महाराज, अंधेरे में भी रोशनी का हुनर कोई तुमसे सीखे। ए, सत्तू, तू कैसा है? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। डोरी कैसी है? वो दिवाली कैसे मना रही है? उसे अच्छा लग रहा है ना हवेली में? उसे याद तो आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ डोरी बिल्कुल ठीक है, तुम सबको बहुत याद करती है। लेकिन इतनी बड़ी हवेली में बड़ी ठाकुराइन के अपने कायदे कानून नियम है जो सबको मानने पड़ते हैं। मैंने डोरी को वहां पर घस के बांधा है। बस संकटा मैया से एक ही प्रार्थना है कि हमारी डोरी कुछ ऐसा ना बोल दे या ऐसा ना कर दे जिससे बड़ी ठाकुराइन को गुस्सा आ जाए। गुड़िया मत रो, मैं वहां नहीं आ सकती वरना मेरे बाबा को सजा मिलेगी। तू मेरी बात समझ, चुप हो जाना। नहीं गुड़िया, तू हिल मत, हिल मत, वरना तू गिर जाएगी, तुझे चोट लग जाएगी। ठीक है ना? चुप हो जा, मैं आ गई हूँ। बाबा कहते मैं बहुत रोती थी जब मुझे भूख लगती थी, लगता है इस गुड़िया को भी भूख लगी। क्या करूँ, क्या खिलाऊँ इसे? रसोई से जाके कुछ ले लेती हूँ। पहले से क्या कम आफत है इस घर में तो तुम बार बार आ जाती हो यहाँ पर? पता है ना कि हम साथ में दिख नहीं सकते हैं। हम जानते हैं, पर हम तो आपके दिल में रहते हैं ना, और वहां जाकर कोई नहीं देख सकता। तुम हमारी अम्मा को नहीं जानती हो, वो दिल नहीं सांप के बिल में से ऐसे हाथ डाल के सांप निकाल सकती है। ठकुराइन जी को हम जानते हैं बहुत अच्छे से। देखिए तभी तो वो नए ऑर्डर का बहाना करके आपसे मिलने आए हैं। आप हमारा फोन भी तो नहीं उठा रहे थे सुबह से, इसलिए तो पर्सनली आपसे मिलने चले आए। जानते हम डोरी की वजह से कैसे आपको कांटों पे से चलना पड़ रहा होगा ना। इस कांटे को निकाले कैसे ये समझ में नहीं आ रहा है आपको? जी तो करता है कि उसका गला दबा दे। मंजले ठाकुर ऐसे
ऐसे कालर पकड़ कर ले जाएगी वो इंस्पेक्टर साहिब आपको। अगर आपके रहते रहते ना डोरी को कुछ भी हुआ तो सारा का सारा इल्जाम केवल आप पर आएगा और आपके प्यारे प्यारे हाथों में ना कानून का कंगन होगा। तब भी तो आपको समझा रहे ना, ये सब छोड़िए, केवल चुपचाप बैठकर तमाशा देखिए। मतलब हम चुपचाप बैठ करके तमाशा देखें और मानसी को पूरी दुनिया को पूरे शहर को मालूम चल जाए कि डोरी हमारी बेटी है। अरे नहीं नहीं ना मंजिले ठाकुर, देखो पूरी दुनिया को मालूम है कि डोरी केवल वो गंगा की ही बेटी है। हाँ बाकी वो चिड़ैया ना वो केवल आसमान में उड़ना चाहती है, उसको उड़ने दीजिए। और वैसे भी वो ठकुराइन के पिंजरे में ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगी, अपने पर जरूर फड़फड़ाएगी और कुछ ना कुछ गलती करेगी। बस तभी ना तभी मौका देख के पिंजरा खोल दीजिए और उड़ा दीजिए उसको, और ना उड़ी तो काट दीजिए उसके पर, काट दीजिए। पल का तो इंतजार है हमें। चुप हो जा, हो गया हो गया। ये संकटा मिया मुझे माफ कर देना, ये मैं अपने लिए नहीं गुड़िया के लिए कर रही हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप चुप गुड़िया। संकटा मैया सच में ये दूध मैं गुड़िया को ही पिलाऊंगी, मैं नहीं पीऊंगी। गुड़िया तो इस घर की बच्ची है ना, कहाँ बैठूं? सब जगह तो तोहफे रखे, गुड़िया को लेकर दूध कहाँ पिलाऊं? ये बड़ी वाली कुर्सी खा ले, इस पर बैठकर गुड़िया को दूध पिला देती हूँ। वाकई राजा राम खुदा ही अपना राजपाट लेने आ गए हैं। घर में कदम रखते ही घर के सबसे बड़े वारिस ने घर की मुखिया की कुर्सी पर आते ही अपना पैर जमा लिया, हक जमा लिया। देखिए पर आपके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिए हमने आपसे कहा था ना सबर कीजिए, वो देखिए सबर का फल। अब जाइए, जाके फायदा उठाइए इसका। जाइए। ये देखो दी क्या बवाल मचा रही है दादी, ये देखो ये क्या कर रही है, आपके कुर्सी पर बैठी है दादी। ये क्या कर दिया तूने डोरी?
तू कहां बैठी है? मम्मी कसम, अगर माँ ने देख लिया ना तो उस कुर्सी के साथ में जमीन में अंडरग्राउंड कर देगी तुम्हें।